अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो है अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर आपका ख़त्म करवा दिया था मैंने, उसके बाद जो है आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं इस चैप्टर के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। और आगे वो फॉर्मूला देता है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ मून हमारे पास किसके इक्वल है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। जीई शो कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ को, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। ये इसकी स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की। आगे जो है हम अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट से कि क्या क्या है हमारे पास। टाइम पीरियड उसने दिया हुआ है 2 सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ उसने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है जीई डिवाइड बाय 6। जीई की वैल्यू हमारे पास 10 थी, हमने उसको 6 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये पॉइंट है। और उसके बाद नीचे हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। जो हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ है हम उसको क्या कह देंगे, LE, और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ मून को हम कह देंगे LM। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2π√L/g। अब जो है हमने क्या करना है, L को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लेंगे, टी स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 2π का भी होल स्क्वेयर आ जाएगा और स्क्वेयर रूट एल ओवर जी का भी होल स्क्वेयर आ जाएगा। ये स्क्वेयर रूट जो है वो स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास नीचे, 4π² L/g। अब हमने क्या करना है, लेंथ को सेपरेट करना है, तो ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई जी, और 4π² जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो L का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, L इक्वल्स टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाय 4π². अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑन अर्थ। इसके लिए आप क्या करेंगे, L के साथ हम क्या लगा देंगे, E लगा देंगे, लेंथ ऑन अर्थ, और G के साथ भी E लगा देंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। टाइम पीरियड सेम रहेगा, LE = T² / GE / 4π². T की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, टाइम पीरियड 2 था, 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, GE की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10 थी, नीचे हम क्या करेंगे 4, और पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.14 थी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 / 4, और यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे मैं 3.14 का स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 9.8596। LE की वैल्यू क्या है, 1.014 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। अब हम क्या करेंगे, यही वाला L वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें L के साथ हम लगा देंगे M लगा देंगे, और G के साथ हम लगा देंगे M। अब क्या करेंगे, LM इक्वल्स टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय GM डिवाइडेड बाय 4π². LM, टी की वैल्यू वही थी रहेगी, टाइम पीरियड मैंने आपको कहा था चेंज नहीं होगा, वो है हमारे पास 2, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। GM की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, 1.67, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे GM की वैल्यू लगा देंगे 1.67 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.14, उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 / 4, ऊपर क्या आ जाएगा, 1.67, नीचे 3.14 का होल स्क्वायर। LM क्या आएगा, 4 × 1.67 / 4, 9.8596, 4 से कैंसिल हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, LM इक्वल्स टू 0.169 मीटर। और अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LM इक्वल्स टू 0.17 मीटर, ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल है आपका, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपने क्या करना है, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट से, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ मून हमारे पास क्या है, LM से शो करते हैं 0.99 मीटर, टाइम पीरियड ऑन मून उसने कितना दिया हुआ है, टी इक्वल टू 4.9 सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है मून पे, GM इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है आपने इसके क्या करना है, टी पाई हमारे पास क्या है, 3.14, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2π√L/gm। अब हमने क्या करना है, LM और GM इसलिए लगाया है क्योंकि हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ मून उसने दिए और हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ मून फाइंड आउट करना है।
हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वेयर करेंगे, टी स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर टू पाई का होल स्क्वेयर आ जाएगा और स्क्वेयर रूट एल ओवर जी एम का भी हमारे पास होल स्क्वेयर आ जाएगा। टी स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वेयर एल एम ओवर जी एम आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी एम की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, फोर पाई स्क्वेयर एल एम ओवर टी स्क्वेयर। ये मैंने जी एम को क्या किया है, सेपरेट किया है, वहाँ पर जी एम डिवाइड हो रहा था, इधर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी हमारे पास इधर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास जी एम का। वैल्यूज लगाएं इसके अंदर, फोर पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। एल एम की वैल्यू कितनी थी 0.99 और टी हमारे पास कितना दिया था इसने 4.9, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 9.85960.99 आ जाएगा। इस तरह सबको मल्टीप्लाई करके ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, 39.044 डिवाइडेड बाई 24.01, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप 1.626 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी एम इक्वल्स टू 1.63। नेक्स्ट जो है आपका न्यूमेरिकल 10.3, उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on the earth and on the moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of the value on earth where g equals to 10 meter per second square. अब जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है, 1 मीटर हो जाएगी। जी ई की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और हमारे पास जी एम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या देता है कि 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जी ई डिवाइड बाई 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, जी ई की वैल्यू 10 थी, उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 1.67 निकल जाएगा, जैसे हमने 10.1 में जो है जी एम की वैल्यू निकाली थी। नेक्स्ट क्या है, आपने टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी ई लगाना है आपने, और टी एम के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी एम। आपने इस न्यूमेरिकल को खुद कंप्लीट करना है ये वाले फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, इसका आंसर बुक से चेक कर लीजिएगा ठीक आता है या नहीं। 10.4 क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या देता है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इक्वल्स टू 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या डाटा देता है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल आपने फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएं, टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट एल ओवर जी का भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा नीचे 4 पाई स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा एल बाय जी। हमने क्या करना है, एल को सेपरेट करना है, जी इधर डिवाइड हो रहा है, जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज लगाएं, टी की वैल्यू कितनी थी 2, इसका स्क्वायर लगा दें मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4 और पाई की वैल्यू 3.14 उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 4 × 10 डिवाइड बाय 4, 9.85963.14 का स्क्वायर है, 4 4 से आंसर 10 डिवाइड बाय 9.8596, इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा आपके पास, 1.014 मीटर। आपने क्या करना है कि हर जो है लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है उसका यूनिट लगाना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है उसका यूनिट लगाना है, यूनिट आपने साथ में लाजमी लगाना है। इसके मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 10.5, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, वट इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वेव्स उसने कितनी दी हुई हैं, 100 दी हुई हैं, टाइम फॉर 100 वेव्स कितना है, टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड है, वेव लेंथ अगर आपने फाइंड आउट करना है, लेमडा इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब लेमडा जो वेव लेंथ है इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 6 / 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास वेव लेंथ, 0.06 मीटर आ जाएगी। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और उसकी स्पीड वी फाइंड आउट करनी है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं इतने टाइम में गुजरे उसको हम क्या कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी है उसकी। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एन डिवाइड बाई टी, एन की वैल्यू 100 थी, टी की वैल्यू 20 थी, तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 हर्ट्ज़ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है आपने टाइम पीरियड, मैंने आपको बताया था कि इनका इन्वर्स रिलेशन होता है टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी का, तो टी इक्वल टू 1/f का फॉर्मूला लगाएं, टी इक्वल टू 1/5, टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड आ जाएगा आपके पास।
टाइम पीरियड भी निकल आया। नेक्स्ट आपने निकालनी है स्पीड, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। वी इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी निकली थी 5 और लैम्डा हमारे पास 0.06 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपके 5 न्यूमेरिकल्स हो गए। आपने क्या करना है, इन सारे न्यूमेरिकल्स का जो है उसको प्रैक्टिस करना है, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें इसकी। यही आपका होमवर्क है।